अब 6A की मॉनिटर स्टेज पे आएगी और हम सबको ये बताएगी कि दशहरा का पर्व हम क्यों मनाते हैं। आ जा बेटा। हम दशहरे का पर्व इसलिए मनाते हैं क्योंकि दशहरे के दिन ही बुराई पर। अरे बचा ले बचा ले बचा ले लड़की को बचा ले बचा ले बचा ले बचा ले बचा ले। दशहरा हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि दशहरे वाले दिन बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। अरे नहीं मैडम, इसको कुछ नहीं पता, मैं बताती हूँ आपको कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं। सर पता मैडम को? हाँ मैम मैं बताती हूँ, रुको। देखो दशहरा वाले दिन होती है हमारी छुट्टी। अब छुट्टी पे क्या करेंगे, वैसे हम बोर हो जाते हैं तो हम ना घर से बिल्कुल निकल जाते हैं। तो बस फिर वहां से पहुंच जाते हैं हम अपने दोस्त के फ्लैट पे, वहां जाके मस्त दारू पीते हैं और हुक्का पीते हैं, डांस करते हैं, मजे करते हैं, मस्ती करते हैं और उसके बाद खूब नाचते हैं और अब बस फिर टाइम से पहुंच जाते हैं अपने घर पे। कानों कान खबर नहीं होती कि हम कहां थे और मन जाता है हैप्पी दशहरा अगले दिन कॉलेज पे लड़ने। तुम बच्चों को बिल्कुल भी तमीज नहीं है, बस यही सीख रहे हो ना तुम इस कॉलेज से। नाउ साइलेंट, गो टू योर सीट। अब 6th क्लास के बच्चे आपके लिए रामलीला प्रेजेंट करेंगे, सो प्लीज एंजॉय। स्वामी वो हिरन कितना आकर्षित लग रहा है, क्या आप मेरे लिए उसे लेकर आएंगे? हाँ मेरी सीते, ये दोनों आप तुम्हारे लिए वो हिरन जरूर लेकर आएगा, अभी जाता हूँ। चलो बाय। भीक्षाम देही। प्रणाम महात्मा। हाँ हमें भिक्षा दीजिए। जी महात्मन, मैं अभी लेकर आती हूँ। आप अंदर आके ले लीजिए। नहीं माता, आपको आके देना पड़ेगा हमें। मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे देवर ये लक्ष्मण रेखा खींच के गए हैं जिसको मैं पार नहीं कर सकती। क्योंकि हमारे देवर लक्ष्मण ने ये रेखा पार खींची है इसीलिए मैं पार नहीं कर सकती। नहीं है चूहा, नीचे उतरो, छोड़ो। कहाँ? Stay in your positions. Go there. Basket लो अपनी। Ha 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 ha. Sita, मेरे साथ चलो। Swami. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सीता जी क्या कर रही है? तो हम लोग करने वाले हैं कॉलेज की मॉडर्न रामलीला। स्वामी वो हिरन कितना ब्यूटीफुल है ना, आप मेरे लिए उसे ला सकते हैं? ठीक है सीते, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी लेकर आया। दीक्षां देही। गाइस मेरे कुटिया के बाहर महात्मन आए हैं मुझसे भिक्षा मांगने, तो मैं उनको देने जा रही हूँ ये फ्रूट बास्केट।
ये लीजिए, यहाँ पे आके दीजिए। मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे देवर जी ने, माय ब्रदर इन लॉ, उन्होंने मुझे मना किया है बाहर आने से। एक ब्राह्मण का अपमान करोगी तुम? तुम्हारे घर में बहुत बुरी घटना हो गई अगर तुम ऐसा करोगी तो। आओ बाहर। बोला वो, ये लीजिए। देखिए ना, लाइव कर रही हूँ अभी। क्या बोली? दुष्ट नारी, हम तेरा अपहरण करने आए हैं। अपहरण? व्हाट? मतलब कि किडनैप, किडनैप करने आए हैं। किडनैप? सीते, आज तो हिरन पकड़ नहीं पाया मैं, वो चप्पल टूट गई थी। कल ना शूज पहन के जाऊंगा, फिर पकड़ लूंगा। इट्स ओके। तुम बताओ दिन कैसा गया? कुछ खास नहीं, बस आज एक दुष्ट को ना सबक सिखा दिया। अब वैसे भी मैं सीता जी का रोल कर रही हूँ, सच में थोड़ी ना खुद का किडनैप करा लूंगी। सही बात है। बच्चों, आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। जैसे कि दशहरा आ रहा है तो उसके उपलक्ष में 10 दिन की छुट्टी है, पर सिर्फ क्लास 9 तक। 10th वालों की छुट्टी नहीं है क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं और उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी। नो मैम, प्लीज मैम, हमें भी छुट्टी चाहिए, मुझे भी घूमने जाना है, प्लीज मैम। नो मैम, मैं तो नानी के यहाँ पे जाऊंगी, मजे करूंगी। मैं तो मम्मी को बोलूंगी शिमला लेके चले बर्फ दिखाने। चलो किचन चेक करते हैं, लग गई है। अरे वो सब छोड़, मेरे पापा तो सुबह 5 बजे उठा के मुझे पार्क ले जाके योगा कराएंगे। मैं नहीं रह सकती यार, मैं भी नहीं रह सकती। मेरी बड़ी बहन ना मुझसे पानी मंगवा के मेरी हालत खराब कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार, हम घर पे नहीं रह सकते। एक काम करते हैं, सुनीता मैम के पास चलते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस की बात करते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस। मैम, हमें एक्स्ट्रा क्लास लेनी है। हाँ मैम, हमें घर पे नहीं रहना प्लीज मैम। मैम आपको पता नहीं, घर वाले बहुत अत्याचार करते हैं हम पे। मैम पक्का प्रॉमिस के हम ना लेट नहीं आएंगे कभी भी क्लास में, हम रोज जल्दी आएंगे। आप जो बोलोगी ना हम वो पढ़ेंगे, हमें छुट्टी मत दो, सारे असाइनमेंट करेंगे। मैम प्लीज मैम, हाथ जोड़ते हैं, आप बोलोगी तो हम पैर भी पढ़ लेंगे। हाँ मैम, प्लीज प्लीज प्लीज, कोई छुट्टी कैंसिल नहीं हो रही है। बच्चे छुट्टी मांगते हैं लेकिन इनको कैंसिल करानी है। मैम हमें पता है कि आप तो इतनी सुंदर हो ना कि आप दीन को तो यूं पटा मतलब मना लोगी। जाओ क्लास में। मैम 5 दिन का कर लो, 10 दिन का। अगर एक वर्ड और बोला ना तो 10 से 12 दिन की छुट्टी कर दूंगी। 2 दिन मैम। गो। जीतू बेटा। क्या हुआ मम्मी? चलो मेरी हेल्प कराओ। ठीक है, और इसके बाद बांटने भी जाना है तुम्हें। What? नहीं मम्मी प्लीज, मुझे नहीं जाना, अब भैया को भेज दो ना। कोई नाटक नहीं चलेगा, जाना है। मम्मी प्लीज, मुझे नहीं जाना, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर तू बांटने जाएगी तो जो पूजा वाले पैसे है ना वो तुझे ही मिलेंगे, नहीं तो भैया को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी दे आती हूँ। ठीक है, आराम से लेके जाना। बांटने बोला है, तू भी चलना साथ में। क्यों? अभी चलना, जो पैसे मिलेंगे ना आंटिया जो देंगी उससे हम गोलगप्पे खाएंगे शाम को। चिची, अच्छा चल। दीदी, आंटी खोलो, दीदी दरवाजा खोलो। दीदी है ना, मम्मी ने भेजा है और मम्मी ने कहा था ना पैसे भी दोगी। थैंक यू। आंटी, आंटी दरवाजा खोलो, ये मम्मी ने दिया। ओए, सारे
एक दो तीन गोलगप्पे के साथ साथ बहुत कुछ खा सकते हैं। चल चल जीतू। हाँ मम्मी। बेटा ये ले, सारे पड़ोसियों को दे के आओ, ये 500 रुपए गरीबों को ही बांट देना, ठीक है? जाओ 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 जाओ। अब भाई हमसे ज्यादा गरीब और कौन हो सकता है? हाँ सही बोल रही है, 50 मेरा। यार पैसे तो ले लिए, इनका क्या करें? इनको चिड़ियों को डाल देते हैं। पड़ोसियों को दिया, चिड़ियों को दिया, एक ही बात है, पड़ोसी के पास जाएगा कौन? भैया ये हमारे किसी काम के नहीं है, इसको आप रख लो और हमारे पैसे दे दो भाई। जय श्री राम, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कि आपने बहुत ज्यादा कनेक्ट किया होगा और आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को ढेर सारे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सबके साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।